तो क्या हाल चाल है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले तो अभी हम लोग बात कर लें अल्विश यादव वर्सेस ध्रुव राठी के बारे में। तो गाइस ध्रुव राठी ने दोबारा से ट्रोल कर दिया है अल्विश यादव को अपने रिसेंट ब्लॉग में। हाँ गाइस, ध्रुव राठी आज अपने ब्लॉग चैनल पर एक नॉर्मल ब्लॉग अपलोड करे ना, जिसमें कि वो अल्विश यादव को थोड़ा सा ट्रोल कर देते हैं, वो आप खुद देख लीजिए ना। Yeah. Do you think Elvis owned the car or do you think he rented it? I mean, this Elvis can own the car. Yeah, right. Yeah, owned it, I think. He won't need to rent. He won't rent it. I also think so. तो चलिए गाइस अभी हम लोग बात कर लें नेक्स्ट अपडेट की। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट है रजत दलाल के बारे में। तो गाइस रजत दलाल का एक और कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है ना, उनका एक कॉल रिकॉर्डिंग भी लीक हो गया, जिसमें कि रजत दलाल ने एक बंदे से कुछ पैसे ले रखे हैं और उस पैसे को रजत दलाल वापस नहीं कर रहे ना, और वो उसी बंदे को धमकी वगैरह भी दे रहे। रजत दलाल ने जिसके पैसे लिए उसने अपने इंस्टाग्राम पर वाली रील अपलोड करते हुए रजत दलाल का कॉल रिकॉर्डिंग भी लीक कर दिया, और वो उनके बारे में कुछ ये बोले ना, वो आप खुद देख लीजिए। आप पैसे क्यों नहीं दे रहे? आप तो आप पैसे क्यों नहीं दे रहे ये तो बताओ। सो हेलो एवरीवन, तो आपने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ऑडियो सुन ली होगी और आप लोगों को पता भी लग गया होगा कि वो किसकी आवाज़ है। तो वो रजत दलाल की आवाज़ है। मैं उनसे कोचिंग लेता था, पिछले एक साल से कोचिंग ले रहा था। तो उन्होंने मेरे साथ एक कोर्स का बोल के 60,000 रुपये का स्कैम किया है। मैंने नवंबर में उन्हें 60,000 रुपये दिए थे, जो कि उन्होंने उसके बाद अभी तक कोई कोर्स नहीं कराया, और उन्होंने फिर मेरे पैसे भी वापस मुझे रिफंड नहीं करे। और जब मैंने रिफंड के लिए कोशिश करी कॉन्टेक्ट करने की, तो उन्होंने मुझे कोई ऐसा जवाब नहीं दिया और उल्टा बदतमीजी और करी और मेरे पैसे वापस नहीं दिए उन्होंने अभी तक। और ये वीडियो इसीलिए, बस इसीलिए बनाई गई है ताकि मुझे जो है मेरे पैसे वापस मिल जाए। मैं इसमें स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ट्रांजेक्शन के, ठीक है। तो ये दो स्क्रीनशॉट है 3,000 और 57,000 के, ये मैंने इनको पे किए हुए। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो देख के बहुत लोगों के मेरे को डीएम्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि पूरी रिकॉर्डिंग डालो, तो ये रही पूरी रिकॉर्डिंग, आप लोग सुन सकते हैं। रोहित बोल रहा हूँ, मम्मी ने बात की थी ना आपसे? हाँ। तो ये अभी इनका फोन आया था मुझे रजत का, तो मुझे गाली देके बोल रहे हैं कि भाई मैं 1 रुपया नहीं देना। मुझे नहीं, ये तो आप इनको बोलो ना कि ऐसा तो ना करे कम से कम। मेरे पास फोन तो कर रहा है, तो जब ये कुछ बात नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँगा? तो आप पैसे क्यों नहीं दे रहे ये तो बताओ। आप पैसे क्यों नहीं दे रहे? तो आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हो ये बताओ। मैं आपसे अच्छे से पूछ रहा हूँ इतने दिनों से, मैं इतने टाइम से आपसे। दूसरे आदमी का जीना आराम कर रखा है, जीना आराम मैंने कर रखा है आपका। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कौन कैसे बात कर रहा है, कौन बदतमीजी कर रहा है, कौन गाली गलौज कर रहा है और कौन धमकियां दे रहा है। वो भी किस लिए? क्योंकि मैं अपने ही पैसे इनसे मांग रहा हूँ, इसलिए ये मेरे को ये सब बोल रहे हैं उल्टा सीधा। और मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक इनके साथ। इस वीडियो में कुछ यही अपडेट्स थे ना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यहाँ पे आपको ऐसी यूट्यूब कम्युनिटी के बारे में अपडेट मिलते रहती है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।